नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है पहला नवरात्रा, तो आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और जय माता दी। तो पहले नवरात्रे के लिए आपने बोला था कि मैम, आप जब पहले नवरात्रे में अपने घर में माता रानी की चौकी लगाओगे, पूजा कैसे करोगे, क्या करोगे और कैसी सजावट करोगे, उन सब की वीडियो या ब्लॉग हमारे साथ शेयर जरूर करना। तो आज मैं आप सब लोगों के लिए स्पेशल ये ब्लॉग बना रही हूँ कि आज मैं पूजा खुद घर में कैसे करूँगी और मैंने माता रानी का मंदिर और चौकी कैसे लगाई है। तो आज है पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री का, जो माता रानी के 9 स्वरूपों में से एक है। इनके एक हाथ में कमल है और एक हाथ में त्रिशूल है। ये वृषभ पर सवार होती हैं। तो हिमालय के घर जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो आज के दिन माता रानी को घी का भोग लगता है, तो आज हम माता रानी को गाय के घी का ही भोग लगाएंगे। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ कि मैंने माता रानी की चौकी कैसे लगाई है और मैंने क्या क्या सजावट की है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए, मैंने माता रानी की चौकी लगा ली और गोपाल जी को भी मैंने आज बिठा लिया। गणपति जी भी विराजमान कर दिए, नवग्रह भी बना दिए मैंने। और ये मैंने फूलों से माता रानी का छोटा सा दरबार भी सजा दिया और ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अब मैं सबसे पहले जौ बोऊंगी। तो जौ बीजने की वीडियो मैं आप लोगों को दे ही चुकी हूँ। इस मिट्टी के पात्र में मैंने मिट्टी डाल दी और इसको अंदर मैंने जो बो दी है, मूली और स्वास्तिक मैंने बना दिया। अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब इसकी करेंगे धूप दीप से आरती करने के बाद, जब रात होगी, रात को आरती करने के बाद हमें इसको रोज रात को ढककर रखना है। जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में बता ही चुकी हूँ, लेकिन किसी एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था, उन्होंने बोला कि आपको पता नहीं क्या इसको ढकना नहीं होता। तो आज मैं उन्हीं को ही बता रही हूँ कि रात को ढकना होता है, दिन में नहीं ढकना होता। क्योंकि जो उन्होंने बोला था, जो लिख कर दिया था, उनकी लैंग्वेज भी कुछ सही नहीं थी, इसीलिए मैं सोच रही हूँ उसका नाम तो क्या लेना। लेकिन फिर भी जो है, इनको रात को ढका जाता है, दिन में नहीं ढका जाता। क्योंकि रात को जब हम इन्हें ढकेंगे तो गर्मी के कारण ये थोड़ा जल्दी घुकर आएंगे। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। दुर्गाए नमः, ओम दुर्गाए नमः। गणपति जी की तो पूजा हमने कर ली, अब माता रानी को हल्दी का टीका लगाया। अब लगाएंगे रोली का टीका, फिर करेंगे कलश की पूजा। ओम वरुणाए नमः, ओम वरुणाए नमः। फिर धूप दिखाएंगे माता रानी को भी, कलश को भी। अब पूजा करेंगे नवग्रह की। पहले पानी से, फिर वस्त्र पहनाएंगे, फिर सुपारी, इलायची, लौंग। नवग्रह का जो मंत्र मैंने पहले बोला था वो ही बोलना है। और हाथ जोड़कर सभी देवताओं का आवाहन करेंगे और नवग्रह की शांति का पाठ करेंगे और उनकी पूजा करेंगे। फिर दिए में मैंने कपूर रखा, उसमें मैं रखूंगी एक लौंग का जोड़ा। लौंग हमें ऐसी लेनी है जिसके अंदर फूल हो, खंडित ना हो। तो जब माता रानी की आरती करेंगे तो हमें ये कपूर और लौंग जलानी होगी। तो अब करेंगे माता रानी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्वल से दो नैना चंद्र बदन नी को। जय अम्बे गौरी। आरती करने के बाद माता रानी को लगाएंगे पान का भोग, ड्राई फ्रूट्स का भोग और फ्रूट्स का भोग लगाएंगे। और लगाऊंगी मैं घी का भोग, क्योंकि पहला नवरात्रा है माँ शैलपुत्री को।
घी का भोग ही लगाया जाता है और उसके बाद करेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो ये थे नवरात्रि का पहले दिन की पूजा और व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं कैसे पूजा की और मैंने कैसे मंदिर सजाया, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर चीको रेसिपीज़ को फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर भी चीको रेसिपीज़ को फॉलो करें। और आप अपने सुझाव हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जाकर देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।